प्रथम तहलका न्यूज। शहद का शौक एक शख्स को इस कदर आगे ले गया कि उसी को ही आत्मनिर्भर बनते हुए बिजनेस बना लिया और प्रदेश के कोने कोने में शहद की मिठास को घोल कर रख दिया। यमुनानगर के सुभाष कंबोज नाम के शख्स ने मधुमक्खी पालन को ही बिजनेस बना लिया। इनकी बड़ी उपलब्धि तो ये है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इनका जिक्र भी किया था। जो हमारे चेहरे पर मीठी मुस्कान बिखेर देती है, अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। हरियाणा में यमुनानगर में एक मधुमक्खी पालक साथी रहते हैं, सुभाष कंबोज जी। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। आज वो करीब 2000 बॉक्सेस में मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। उनका शहद कई राज्यों में सप्लाई हो। सुभाष कंबोज ने अपने आत्मनिर्भर बनने के सफर के बारे में बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और उन अधिकारियों का भी आभार जताया जिन्होंने सुभाष को मधुमक्खी पालन के बारे में बताया। सर मैं अगर शुरू की बात कहूं कि उस टाइम मैं सोच नहीं सकता था जब मैंने ये काम शुरू किया था कि इतनी सफलता मुझे मिलेगी, और आज मैं बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्राउड फील कर रहा हूं और गर्व महसूस कर रहा हूं, है ना। जो मैंने ये मुकाम हासिल किया है अपनी मेहनत से कहिए और अपने परिवार की है ना मदद से कहिए, और यहाँ तक कि जो हमारे अधिकारी हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर के हैं, चाहे हमारे यूनिवर्सिटी के हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार है, तो उनके द्वारा जितनी भी मेरी मदद की गई, उन्होंने मदद की, मैं उन सब की ये तारीफ करूंगा और उनका जहां भी मैं मेरा जिक्र होगा उनकी मैं जरूर तारीफ की करूंगा। एक्चुअली देखो, मैंने ना ये 1996 में ये 6 बॉक्स से ये काम शुरू किया था, और जो आज मेरे पास लगभग 2000 बॉक्स हैं जो जिनको मैं एक जगह से दूसरी स्टेट में लेके जाता हूँ। लेकिन ये मधुमक्खियाँ मैंने सिर्फ शायद खाने के पर्पज से मैंने ये शुरू किया था। मैंने इसमें कोई उस टाइम सोचा नहीं था कि मैं इसमें प्रोफेशनल हो जाऊँगा, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने नोटिस किया कि मधुमक्खियाँ खुद भी है ना बढ़ती हैं और शहद भी देती हैं, वैक्स भी मिलता है, और हमारे को सबसे बड़ी बात है किसानों के लिए कि वो पोलिनेशन करती हैं। 1996 से पहले उन्होंने निजी विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य किया, फिर 1996 में खादी ग्राम उद्योग से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मधुमक्खी पालन के 6 बॉक्स से उन्होंने काम करना शुरू किया था। 2006 से लेकर अब तक उनके पास तकरीबन 2000 मधुमक्खी के बॉक्स हैं और ये सभी बॉक्स भी पारंपरिक 6 बॉक्स से ही विकसित किए हुए हैं। तो मैंने इस काम को फिर प्रोफेशनल ले लिया। उस टाइम तो मैं टीचिंग करता था, 4 साल मैं टीचर की जॉब की है, लेकिन मैंने फिर इस काम को पूरी तरह से मैं इसमें प्रोफेशनल हो गया, और फिर मैं आज इस काम को ना सिर्फ अपने तक सीमित है मेरे तक, बल्कि मैं आगे भी इसको बांट रहा हूँ। एक्चुअली देखो, शहद को हम साइंटिफिक बी कीपिंग जो बोलते हैं, साइंटिफिक बी कीपिंग क्या है कि हम है ना जितने भी उसमें उपकरण हैं वो सही तरीके से इस्तेमाल करें, जो बॉक्स हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल करें, और मधुमक्खियों की संख्या जो है ना बॉक्सों के अंदर सही रखें, और सुपर पे जो काम होता है वो काम को सुपर पे हम हैंडल करें, तो इसको साइंटिफिक बी कीपिंग कहते हैं। सर मैं तो यही कहूँगा कि एक छोटे से गांव से आने वाले एक छोटे से किसान की एक है ना प्रधानमंत्री, देश का जो प्रधानमंत्री है वो तारीफ करे, तो इससे बड़ी प्राउड की बात मेरे लिए तो कभी नहीं हो सकती, और मैं तो बहुत शुक्रिया अदा करूंगा प्रधानमंत्री जी का जिन्होंने मेरी इतनी तारीफ की। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। हाफिजपुर निवासी 54 वर्षीय मधुमक्खी पालक किसान सुभाष कंबोज ने बताया कि प्रधानमंत्री के द्वारा की गई प्रशंसा से उन्हें जीवन में और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा। वे स्नातक पास है और उन्होंने DPED का डिप्लोमा भी किया हुआ है।
प्रथम तहलका के लिए यमुनानगर से ब्यूरो रिपोर्ट।